राजस्थान के अलवर जिले में एक सिख गुरबख्श सिंह दी अखां विच मिर्चा पा कीती वहशियाना कुटमार अते केसां दी बेदबी दे मामले विच हुण नवां मोड़ आ गया है। हमलावरां वल्लों गुरबख्श सिंह दा सिर कलम करन दी योजना सी। इस हमले दी मूल वजह अंतर धर्म प्रेम संबंध सन, जिस तों हमला करन आए भाड़े दे बदमाशां नूं इतरा सी, पर गलती नाल उहनां ने गुरबख्श सिंह उपर हमला कर दिता। गुरबख्श सिंह अलवर दी रामगढ़ तहसील दे पिंड मिल्कपुर दा रहण वाला है। मामले विच दर्ज करवाई FIR विच दर्ज करवाए। अपने बयान विच गुरबख्श सिंह ने कहा कि उह शाम 7:30 बजे कुछ दवाइयां लैण दे लई नेड़ले पिंड अलवाड़ा विच गया सी। वापस आउण ते सड़क ते एक व्यक्ति ने उस नूं रोकण दा इशारा करदे कहा कि एक सिख जख्मी हालत विच पिया होया। जिवें ही सिंह ने अपना मोटरसाइकिल रोकिया तां उस व्यक्ति ने चार होरां दे नाल मिल के उसका गला फड़ लिया। इन्हां विचों दो चाकू लैके आए सन। उन्होंने उस दीआं अखां विच मिर्चां दा पाउडर सुट दिता अते उस दीआं अखां कपड़े दे नाल ढक दित्तियां। उह आपस विच गुरबख्श सिंह दा सिर कलम करन दी योजना बारे चर्चा करन लगे। जदों सिंह ने अपना गुनाह जानण लई बेनती कीती तां आदमी ने कहा कि उस वर्गे नाल एक मुसलमान औरत घरों भज गई है। सिंह ने कहा कि आदमी नूं गलती हो गई सी कि वह अलवर दा नहीं बल्कि सीकरी दा रहण वाला सी अते वह गुरुद्वारे दा ग्रंथी है। इह सुन के आदमी ने एक जम्मे नाम दे शख्स दे नाल फोन दे उपर गलबात कीती अते पुछया कि सिंह दा की करना है। दूसरे पासे दे आदमी ने उन्हां नूं कहा कि उस नूं ना मारो, सगों उस दे वाल कट के छड़ दिओ। सिंह ने आदमी नूं उस दे वाल ना कट्टण दी बजाए उसका गला कट्टण दी बेनती कीती। जदों तक सिंह ने अपनी अखां ते कपड़े दी पट्टी हटाई आदमी उत्थों चले गए सन। FIR रामगढ़ थाने विच 21 जुलाई नूं दर्ज कीती गई सी। शिकायत दे आधार ते पुलिस ने जुमा सरपंच अते चार अनपछाते व्यक्तियां ते खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरा नाम गुरबख्श सिंह है, मैं मिलकपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से दवाई लेने गया था अलावड़ा, तो रस्ते में किसी ने हाथ दिया तो हाथ देकर मैंने रोकी गाड़ी और उन्होंने बोला यहाँ पे आदमी पड़ा हुआ है। पूरा बताओ आपके साथ क्या हुआ वो बताओ। वो मेरे साथ तो मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मेरी गर्दन दिमाग पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी और मेरे बाल काट दिए। नार काटने की फिलहाल में थे लेकिन पुजारी की वजह से, क्योंकि ये पुजारी है गुरुद्वारे का, तो इसके बाल काटने ही अच्छे हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा। पहचानते हो आप उनको? नहीं, फोन पे जो बोल रहे थे ना, एक उन्होंने फोन किया था कि अब क्या करें, अब ये तो पुजारी है गुरुद्वारे का, तो ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो जुम्मे नाम का जो आदमी है उसके पास फोन किया, उसने बोला कि इसके बाल काट। अलावाड़ा पिंड के एक वसनीक ने दसिया कि अप्रैल महीने विच सिख भाईचारे का एक व्यक्ति एक मुस्लिम औरत नाल व्याह लई फरार हो गया सी। दोवें बालग ने अते अफेयर सहमति नाल होया सी। उदों तों ओह सिख परिवार खतरे विच रह रहा है, ओह ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे। सूत्रां ने दसिया कि जुमा खान अलवाड़ा का सरपंच है। उसके दसण मुताबक अलवाड़ा विच मुसलमाना दियां 1500 वोटां ने जदों के सिखां दियां 400 वोटां ने। अलवर विच मुसलमान बहुत ज़्यादा म्यऊ जाति तो बदल रहे ने, इत्थे सिख ज़्यादातर राय सिख ने। समाचार एजेंसी PTI ने अलवर दे पुलिस सुपरिटेंडेंट तेजस्वनी गौतम दे हवाले नाल कहा कि अजिहा प्रतीत हुंदा है कि सिंह नूं कथित प्रेम संबंधा नूं लैके अलवाड़ा पिंड विच सिखां अते मऊ मुसलमाना दरमियान पुरानी दुश्मनी कारण निशाना बनाया गया सी। स्थानक सिख भाईचारे ने मंगां ते सहमति बनाउण लई पंचायत कीती अते मामले च जल्द गिरफ्तारी दी मंग करदे होए थाने दे बाहर धरना दिता। इस धरने विच हिंदू निवासी भी शामिल होए सन। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।